हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स दिस वम्युनिकेशन कोच एंड मैगनेट ब्रेन्स के द्वारा के द्वारा जो हमें स्पोकन इंग्लिश कोर्स एक बहुत ही खूबसूरत कोर्स मिला है उसके लिए हम सब बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं इतनी ही हिंदी आती है मुझे ओके कमिंग बैक टू दिस सो वी हैव द स्पोकन इंग्लिश बेसिक लेवल कोर्स दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाई मैगनेट ब्रेन्स एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दिस वाई बिकॉज ह्योर वी आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज दैट टू विदआउट एनी हासिल

क्या ये काम मैं कर सकती हूँ तो मैंने क्या बोला इसमें ठीक है आई अफर्म दिस मतलब मैं इस चीज को हाँ बोल रही हूँ तो जब आप किसी भी चीज में अग्री कर रहे हो उसको अफर्मेशन कहते हैं ऑल्सो अफर्मेशन का एक और मतलब होता है जैसे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ चाहती हूँ तो मैं अपने लिए अफर्मेशन लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड कंटेंट इन माई लाइफ आई हैव अ हेल्दी बॉडी ये सब जो मैं अपने लिए लिख रही हूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस लिख रही हूँ इसे मैं अफर्मेशन लिख रही हूँ ये इतने पॉजिटिव है मैं अग्री कर रही हूँ इन सेंटेंसेस से जब हम ऐसे सेंटेंसेस अपने लिए लिखते हैं तो पूरा जो यूनिवर्स होता है ना वो हमको उन चीज़ों को देने के लिए जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने लग जाता है क्यों क्योंकि हम उन चीज़ों पे यकीन कर रहे हैं सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके द रिपोर्ट्स आर इन अफॉर्मेशन दैट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग तो जैसे आप लोग सेंटेंसेस क्रिएट करते हो एंड देन यू शेयर दो सेंटेंसेस विद मी सो दैट इज एन अफॉर्मेशन कि भैया मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं पॉजिटिव अफॉर्मेशन कैन हेल्प इम्प्रूव वन सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव अफॉर्मेशंस जब हम अपने बारे में लिखते हैं जिन चीज़ों से हम अग्री कर रहे हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बूस्टअप होता है द सेकेंड वर्ड दैट वी हैव हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग वन स्कैटर ब्रेंड स्कैटर ब्रेन का मतलब होता है भुलक्कड़ यार उसको मत दो चाबियाँ शी इज शी इज लाइक कंप्लीट स्कैटर ब्रेंड उसको चाबियां मन तो वो खो देगी मीनिंग फॉरगेटफुल और डिसऑर्गनाइज कोई जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है जो या हर चीज़ हमेशा भूल जाता है उसको हम स्कैटर ब्रेन कहते हैं एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आई हैव बीन सो स्कैटर ब्रेन लेटली यार मैं इन दिनों इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ ना आई हैव बीन सो स्कैटर ब्रेन लेटली लेटली का मतलब होता है इन दिनों इन दिनों शी विल नेवर रिमेंबर शीज कंप्लीटली ब्रेन शी विल नेवर रिमेंबर शी इज़ कम्प्लीटली स्कैटोप्रिंट का मतलब अरे उसे कब भी याद नहीं रहेगा वो पूरी की पूरी भुलक्कड़ है सो इट्स सच अ ग्रेट वर्ड नो स्कैटोप्रिंट अब इसको यूज़ करो बड़ा मज़ा आएगा द नेक्स्ट वन इज दिस हिलरियस हिलरियस इट्स नॉट हिलारियस इट्स हिलरियस हिलरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मजाकिया बहुत ही ज़्यादा हंसाने वाला फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो कपिल शर्मा का शो आता है ना इट्स हिलारियस मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो मूवी थी ना कौन सी चुपके चुपके नहीं चुप सो so बहुत वॉज इंटरेस्टिंग थी सो so इसका मतलब होता है आनंददायक फनी एग्जाम्पल देख लेते हैं आई स्प्लिट माई साइड्स वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द हिलारियस कॉमेडी हियर वी हैव गॉट एन ईडियम स्प्लेट माई साइड्स स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड साइड का मतलब होता है ये मतलब क्या आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया नहीं भाबा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ इसका जो एक हिडन मीनिंग है वो क्या है स्प्लेट माई साइड मतलब जो बोलते हैं ना हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लग गया ठीक है आई स्प्लिट माई साइड मतलब मैंने इतना हंसी इतना हंसी वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द हिलारियस कॉमेडी वो जो कॉमेडी था ना उसको देख के मैं इतना हंसी इतना हंसी आई स्प्लिट माई साइड्स

हिस्टोरिक इसका मतलब होता है ऐतिहासिक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारे टो में बहुत सारे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स देखे थे या इसका हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सो फेमस इन हिस्ट्री हिस्टोरिक का मतलब होता है जो हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है टुडे इज़ अ हिस्टोरिक ओकेशन फॉर आर कंट्री तो जैसे अगर हमने बोला कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम जब वर्ल्ड कप जीता था ओके okay, तो वो क्या था इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट मतलब वो हमारे इतिहास में उसने एक बहुत ही इस पर्टिकुलर ओकेशन ने इवेंट ने एक जगह बना ली थी विजिटिंग द हिस्टोरिक लैंडमार्क वॉज एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस जो हमारे जैसे मोहिंदा वगैरह हैं तो जैसे वो हिस्टोरिक जो लैंड मार्क्स हैं उनको देख के बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला इसीलिए वो एक एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था एनलाइटनिंग का मतलब होता है जहाँ आपके चक्षु खुल जाते हैं जहाँ आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है ओके देन वी हैव लेजिबल इलेजिबल एक्चुअली illegible का मतलब होता है जो कि क्लियर नहीं है जो कि अस्पष्ट है जैसे तुम्हारी हैंड राइटिंग जब कभी तुम लिखते हो ना कुछ लोग जो है बापरे जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉल कर रहे हैं और जो टीचर उसको चेक करी होती है ना उसको ऐसा लगता है कि वो अपने प्राण त्याग दे भाई क्या लिखा है सामने वाले नहीं जो तो डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग होती है ना डॉक्टर बनते बनते उनकी हैंडराइटिंग इतनी बिगड़ जाती है इट्स ऑलमोस्ट

हिज हैंड राइटिंग वॉज सो इलेजिबल दैट इवन ही स्ट्रगल टू रीड इट उसकी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा इलेजिबल थी कि वो भी नहीं पढ़ पाता था सो इलिजिबल इज़ अ वेरी इजी वर्ड स्पेलिंग भी बहुत ईजी है इलिजिबल ठीक है आई एल इलिजिबल सो दैट सेट द नेक्स्ट इज द ईडियम ऑल वाक एंड नो बाइड वो जो बोलते हैं ना कि ये जो है ना कुछ ये जो बादल हैं वो क्या गरजने के हैं बद ये, ये सिर्फ गरजते हैं बरसते नहीं है राइट right? ऐसा ही होता है ना एक सो so, सिर्फ अरे ये सिर्फ गरजने वाले लोग हैं बरसने वाले नहीं है इसका मतलब कि ये लोग सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है सो ऑल बार्क एंड नो बाइट मतलब जैसे कुत्ता है सिर्फ भोंकता ही रहता है काटता नहीं है इसका मतलब क्या होता है फुल ऑफ बिग टॉक बट नॉट विलिंग टू टेक मीनिंगफुल एक्शन बड़ी बड़ी बातें हैं करना कुछ है नहीं दैट इज नोन एज ऑल बार्क एंड नो बाइट ठीक है डोंट बी अफ्रेड ऑफ him वेन ही गेट्स मैड अरे जब वो गुस्सा होता है तो गुस्सा मतलब परेशान मत हुआ करो ही इज़ ऑल बार कैन नो बाइट ओके तो जैसे आपके बॉस हैं या फिर जैसे आपके घर में कोई है मतलब नॉट घर में लेकिन आपने देखा कि यार कहीं है जो कोई इंसान बहुत गुस्सा करे तो आप, आपको पता है कि वो सिर्फ गुस्सा करता है वो कुछ बोलेगा नहीं तब आप क्या बोलोगे अरे डो नॉट वरी इट्स ओके वो थोड़ा चिल्ला रहे हैं तो ही इज़ ऑल बार कैन नो बाइट वो इम्पोर्टेंट होता है जैसे पोलिटिशियंस हैं सो ये आते हैं और बोलते हैं वोट मांगने के लिए मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मैं गरीबों की ऐसी रक्षा करूंगा मैं उनकी ऐसी सेवा करूंगा मैं सड़के बना दूंगा मैं पता नहीं क्या 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 लेकिन जब उन्हें वोट्स मिल जाते हैं तो वो कछू ना करते हैं सो ये क्या हो गया कि भाई तुम बोलते तो बहुत कुछ हो कुछ करके भी तो दिखाओ क्योंकि आपकी बातों का कोई मोल नहीं है आपके एक्शंस का इंपॉर्टेंस होता है सो so एक्शंस जो हैं दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स इट मीन्स कि डोंट व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट एन वॉट यू से जो आप कहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप क्या करते हो डोंट जस्ट टेल मी यू आर गोइंग टू चेंज सिर्फ मुझे ये मत कहो कि तुम बदलने वाले हो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स डू इट करो कुछ करके दिखाओ एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स Then we have a thank you slide which means that we are done with this particular video. I'm going to see you soon in my next video where we are going to come up with some new words and proverb and idiom and that is going to enhance our vocabulary. So thank you so much for watching this. Do not forget to create the sentences and there's a link in the description box whose description box which link here and share your sentences with me. Thank you so much once again, take care of yourself Kushrik apne apku. मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए बाय